चर्चा चल रही थी कन्वेंशनल और पॉड वाली पत्तियों का, जी तो अपन चूंकि यहाँ आए हैं, पत्ती में आपको क्या फर्क है इन दोनों चीजों में, पत्ती कल्टीवेशन के लिए आपका क्या कहना है? अच्छा, नॉर्मली क्या करते हैं फार्मर्स की जो पॉड के लिए पौधा लगाते हैं उसमें से ही पत्ती ले लेते हैं, तो वो तरीका गलत नहीं है, सही है। पर अगर आपको पत्ती के लिए ही अगर काम करना है तो उसकी वैरायटी पूरी अलग आती है। आप जैसे कन्वेंशनल बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको देसी वैरायटी बोलते हैं, इंडिजीनियस बोलते हैं, इंडिजिनियस तो बोलते हैं, वन टाइप पहाड़ियों पे ऑफ, लगने वाली देसी हाँ वैरायटी। पहाड़ियों के ऊपर जो लगती है जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उस टाइप की। तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है, हाँ जैसे फर्क ये बताइए। पत्ती है तो ये पत्ती में गोलावा रहेगा, ये राउंड शेप आएगा। हाँ नॉर्मल जो पौड की पत्ती रहेगी उसमें नोक वो रहती है, लंबी पत्ती लंबी रहेगी, रहती है। ये गोल रहेगी, मोटी रहेगी, इसकी साइज बड़ी है और इसका थिकनेस जो है वो भी बड़ा है। वो अगर भी आप ज़्यादा। पत्ती को टच करेंगे तो नॉर्मली ये आपको थिकनेस वाला लगेगा, और वो पत्ती को आप टच करेंगे तो एक पतली रहेगी। पतला सा कागज आप पकड़ रहे हो। अच्छा, सूखने के बाद भी यही प्रॉब्लम है। सूखने के बाद आप वो वाला पत्ती पकड़ोगे तो एकदम हल्का दिखेगा, और ये वाला पत्ती अगर सूखने के बाद आप टच करोगे तो ये मोटा भी लगेगा और हैवी भी लगेगा। मेरा जो कैलकुलेशन है, अगर आपने पॉड वाली पत्ती ली तो आप अगर सुखाते हैं 10 किलो, तो 10 किलो में से अगर आपका सूखने के बाद 1.5 किलो जितना हो जाता है, अगर ये पत्ती रखी तो, अच्छा, ये पत्ती ये रखी पत्ती, तो 10 किलो इसकी हरी पत्ती को हाँ हाँ सुखाओगे हाँ तो 1 किलो 1 किलो अपने हो पास जाएगा। निकल के आएगा। ये हाँ जस्ट कैलकुलेशन एग्जैक्ट हाँ नहीं है, हाँ हाँ और वही चीज़ अगर पॉड में करते हो तो 200 से 300 ग्राम कम हो जाता है, क्योंकि अच्छा, इसका थिकनेस ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा वेट आएगा, ज़्यादा आता तो है, हमें कम मेहनत में ज़्यादा वेट मिल रहा ज़्यादा है। वेट मिलता है। और इसका जो मिनरल्स है, मैंने हाँ तो लेबोरेटरी रिपोर्ट भी करवाए हुए हैं, हाँ तो इसमें जो मिनरल्स है वो पत्ती से ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब है। आप दवाई के अंदर यूज़ कर रहे हैं हाँ हाँ तो नॉर्मल इंसान क्या करता है कि हाँ हमने मोरिंगा लीफ पाउडर लिया है या लीफ की पत्ती ली है, खाने में हम यूज़ कर रहे हैं, दाल में यूज़ कर रहे हैं, सब्जी में यूज़ कर रहे हैं, उसका जूस बना के पी रहे हैं, इसका ग्रीन टी भी बनता है, मोरिंगो ग्रीन टी, हाँ, लीफ मतलब के कई सारे हर एक, प्रोडक्ट हैं। हर एक हाँ जगह पे आप यूज़ कर सकते जी हैं। हाँ, तो वो पत्ती का अगर आप यूज़ करते हैं अपने बॉडी के लिए और ये पत्ती का यूज़ करते हैं तो 20-80 का रेशियो बन रेशियो जाता रहता है। है। सही अगर बात है, ये 80% आपको फ़ायदा करता है तो वो 20% ही करेगा। सही बात है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप हेल्थ ओरिएंटेड नहीं, चल वो रहे ये हैं बहुत जरूरी था, इसीलिए अपनी तो, जो चर्चा होती थी हाँ आपको ध्यान होगा कि हाँ पत्तियों के कल्टीवेशन के लिए। फिर मैंने, अपन ने चर्चा करी, हाँ फिर हाँ मैंने पता करके आपको बताया कि भाई कन्वेंशनल वैरायटी, और कन्वेंशनल में ही अभी आप काम कर रहे हो, हाँ पत्तियों के लिए आप कन्वेंशनल ही लगा रहे हो, पॉड वाली कोई मैंने आपने वैरायटी नहीं रखी है। ये पूरा साल ऑब्जर्वेशन किया। हर रोज का मैं अलग अलग पाउडर बनाता हूँ और उसका मेजरमेंट करता हूँ, हाँ तो उसमें धीरे 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 सुधार आता गया। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी सही ने बात है, सिखाया है। सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं हाँ होती, हर अपन, हर रोज नया सीखने मिलता सही है। बात है। जैसे जैसे और हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए कि जिस दिन आप मास्टर हो जाओ उस दिन आपका जीरो वैल्यू हो जाता है। सही, जैसे मैंने ये पौधे के अंदर सबसे अच्छी पत्ती देखी तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ये वन कन्वेंशनल वन वैरायटी। टाइप ऑफ कन्वेंशनल या हाँ ट्रेडिशनल पौधा है। मेरे घर पे 100 साल पुराना पौधा है, वो पत्ती और ये पत्ती को मैंने मैच किया तो वो दोनों सेम आई, सेम निकला। बरोबर। तो और उसकी फली और इसकी फली का अच्छा, मैंने टेस्ट पत्ती का किया। जो आप कह रहे थे गोल है हाँ, और तो जो लंबी रहती है, इसका पड़ोस में ये पॉड वाला ये लगा है। जैसे पत्ती है तो हाँ ये आपको ये बड़ी दिखेगी और इसका राउंड शेप जैसे ये है हाँ तो आगे से इसका भी, नोक राउंड हाँ रहेगी। हाँ आगे जी से हाँ नोक नहीं रहेगी। हाँ और वही चीज़ आप यहाँ पे आएंगे तो ये हाँ पत्ती छोटी छोटी है, आप देखिए अब ये छोटी इसका और डिफरेंस देखिए। आगे नोक है, हाँ ये डिफरेंस आप देखिए, मतलब ये तीन पत्ती ले गए तो आप ये एक ही पत्ती ये एक ही आएगी, पत्ती होगी, तीन और से शेप सपोज में भी फर्क है और कलर में भी शेप फर्क में है। लेंथ इसकी ज़्यादा रहती है, लंबाई रहती है और छोटी सी रहती है। दूसरा कलर में ये कलर में देखो डार्क आप ग्रीन कितना है, फर्क दिख ये रहा है, ये लाइट डार्क ग्रीन है। ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है। हाँ सूखने तो के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि जब सूखने के बाद इसका पाउडर रहता है हाँ तो इसका पाउडर डार्क ग्रीन कलर डार्क का ग्रीन रहता है और रहेगा। ये हमेशा लाइट ग्रीन का मेरे रहता पास है। दोनों सैंपल भी है, मैं आपको ये ये अपने दिखा भी किसानों को ये सकता समझाना बहुत हूँ। जरूरी है, ये क्लैरिफिकेशन हाँ जरूरी है कि इसमें और इस पाउडर में क्या नहीं, फर्क रहता किसान है। को तो क्या है कि जहाँ पे फायदा ज्यादा मिलता है ना वो वही काम करते हैं। किसान तो क्या करते हैं कि धूप में भी सुखाते हैं। अगर ये पत्ती को हमने धूप में सुखाया तो इसमें जो मिनरल्स है और विटामिन्स है वो सब उड़ जाएंगे, मतलब ये सिर्फ येलो कलर की पत्ती हो जाएगी, इसका पाउडर आप बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सही बात और है, वही न्यूट्रिएंट चीज़ कंटेंट कम हो कम जाएंगे। हो जाएंगे। जी वही चीज़ अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से छाँव में सुखाना है, सबसे पहले तो इसको धोना है क्योंकि हम खेत में काम करते हैं, मिट्टी लगी हाइजीनिक रहती पॉइंट, है। हाइजीनिक पॉइंट जो है हाँ वो हाँ सबसे हाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ इंसान इसको खा रहा है तो इसकी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत, जो लोग बाग नेगलेक्ट कर देते हम हैं। बाजार में से टमाटर लेके आते हैं तो सबसे पहले धोते हैं, क्यों? तो कि एक तो धूल लगी रहेगी, दूसरा कि पेस्टिसाइड लगा सही रहेगा। बात है। हम, हमारा इतना अच्छा है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
गाय माता को खिला रहे हैं, तो हम कभी भी वो चीज तो करेंगे नहीं और फिर जिससे दूसरी बात ये है हमारी कि, हेल्थ खराब हो। हाँ दूसरी बात ये कि जब अपन सब्जी भाजी धो सकते हैं तो फिर इसको तो धोना जरूरी है, धोना क्योंकि आप जरूरी है। डेली कंज्यूम करने वाले हैं और बीमारी के लिए करने वाले अगर हैं। ये पत्ती आप एक थैली भर के तोड़ोगे और उसको आप धोओगे तो जो गटर का पानी रहता है ना वैसा पानी गंदा हो जाता है, हाँ अगर नहीं धोया तो वही चीज आप अपने पेट में ले रहे हो, पेट में तो ले वो रहे हैं, फायदा सही कैसे बात करेगा। सही बात। मतलब हेल्थ ओरिएंटेड चलना है तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी की हेल्थ बिगड़ेगा। तो ये डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है डिफरेंस ये कि यहाँ देखने को आ पत्ती गया का है, डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। मैं जो ट्रीटमेंट ये सेम है, सही जो बात है, जो ये पौधा लेता है ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, यही पौधा उसको इसको भी मिल रहा मिलता है। है, पर दोनों का डिफरेंस आप दूर से देखिए तो पता चलेगा कि अच्छा ये पौधा जानदार है, हाँ और मतलब एक हाथी है और एक घोड़ा है। स्टर्डीनेस दिखती है इसमें। हाँ बहुत बहुत भाई धन्यवाद, ये यस आपने सर, पत्ती के बारे में हमको जानकारी दी, और खास करके किसान भाइयों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी था कि पत्ती के लिए कल्टीवेशन के लिए वैरायटी अपन अलग इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसके ज़्यादा है, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिलती है, और सबसे खास बात हाइजीनिक पॉइंट जो है साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल रखें। पत्तियों को जो भी आप काम कर रहे हैं उसको धोना है, उसको सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, किस तरह सारी चीज़ें और जो कुछ भी है उसके लिए विशाल भाई हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यस आपने ये सर, जानकारी दी, और आगे अपन इसी तरह और लोगों के लिए सार्थक जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।